सबसे पहले एक बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ जो बम्बई वाले और दिल्ली वाले लोग आए हैं ये मेहमान नहीं है। मेहमान जो लोग बाहर से आए हैं वो हैं, बसेस उनके पैसे से आई हैं। आप तो एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं उसके लिए, एक कौड़ी भी नहीं दे रहे हैं। बसेस उनकी हैं, वो सब बसेस मार के आप लोग यहाँ आ गए, यहाँ बसेस छोड़ दिए, वो लोग रास्ते में लटक के खड़े हुए हैं। बजाय इसके कि आप उन लोगों का ख्याल करें, आप आराम से यहाँ पहुँच गए, आके आराम से बैठे हुए हैं, और आधे लोग रास्ते में बैठे हुए, यहाँ बसें सड़ रही हैं। आप लोग यहाँ मेहमान के रूप में नहीं आए, कृपया ध्यान दीजिए, ये अपनी आदतें आप बदलिए। आप यहाँ पर आए हैं सेवा करने के लिए, और ये बाहर के जो लोग आए हैं ये मेहमान हैं। आप जिस चाहे बस में चढ़ जाते हैं, जैसे कोई आपने बस ली है किराए से, पिछली मरतबा 45,000 रुपया मैंने भरा आप लोगों के बस में चढ़ने का, बेहतर है आप लोग सब पैदल आइए। और नहीं तो एक चीज हो सकती कि एक बस है सिर्फ आपके लिए, किसी भी टाइम में आप लोग निकलते, आपको कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही बस आएगी और वो बस दो मरतबा आएगी, उसी बस में आपको बैठने को मिलेगा और किसी बस में आप नहीं बैठ सकते। समझ गए आप? अपने तो आराम से बैठ गए और सब लोग वहां लटके खड़े हुए हैं, क्या अच्छी बात है? उनके बसेस हैं, उन्होंने इतने पैसे दिए हैं, इसलिए आज बसेस उनकी वजह से आज सहयोग चल रहा है। अब सारी बसेस आप भेजिए, एक उसमें से बस है उसका नंबर यहां बताया जाएगा, और कोई दूसरे बस में हिंदुस्तानी आदमी नहीं बैठेगा, एक बस आपके लिए है, और वो जाएगी आएगी जाएगी आएगी, और अगर आप तैयार नहीं तो पैदल आइए। यहाँ कोई आप बस 24 घंटे के लिए नहीं लगा सकते, हालांकि हमने उसका इंतजाम कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आप जब इत्मीनान से जब चाहें जिस वक्त उठें राजा साहब जैसे उनकी बसेस लेके चले आए। ये तो ऐसे हो कि दूसरी गाड़ी मारी और चले आए। अब एक ही बस आपके लिए है, वो वहां जाएगी और आएगी। अब सवेरे के टाइम आप लोगों को, ये लोग सवेरे उठ के ध्यान करते हैं, उनसे कुछ सीखिए। एक तो उनसे सीखना चाहिए कि कायदा कानून डिसिप्लिन इनमें कितना है। दूसरी बात यह है कि वो आपका आराम देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं। तो एक बस आपके लिए हमने तय कर ली, बस उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं, पैसा कौन देगा? एक बस का हम आपको नंबर बताएंगे, वो बस आगे जाएगी आएगी, नहीं तो आप पैदल आइए, कौन सी आफत है? चलिए थोड़ा अच्छा है सेहत के लिए, सवेरे के वक्त बस आएगी। हम चाह रहे हैं कि सवेरे के बस वक्त में आप वहीं रहिए, वहीं आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और वहीं आपके लिए नाश्ता आ जाएगा, या आप अगर चाहें तो यहाँ आ जाइए। एक बस में आपको ज्यादा लोग नहीं है, 110 लोग हैं आप, सिर्फ दो बस में आप आ सकते हैं। एक बार बस जाएगी आ जाएगी, फिर आप जाएंगे फिर आ जाए, पर बाकी बसें उसको आप मत छूइए, उस सबका मुझे पैसा देना पड़ेगा। आप लोग देंगे क्या 45,000 रुपया? आपसे किसने कहा इन बसेस में बैठने के लिए? आप जिस उस बस में चढ़ के चले आए, कोई कायदा कानून होना चाहिए, पूछना चाहिए कौन सी बस में जाए कौन से में नहीं जाए। अब आप मेहरबानी करें, आप सिर्फ जो बस आपके लिए है उसी बस में आप सवेरे के वक्त में बैठिए, यहाँ आइए अपना नाश्ता करना। कहते थे नाश्ता पाठा जगह पाठू न, आपका वहीं नाश्ता आ जाएगा, लेकिन नवाब के जैसे रहने की जरूरत नहीं। सवेरे चढ़ से उठ के नहा धो लिया, ध्यान कर लिया, और ध्यान के बाद में वहीं नाश्ता आ जाएगा। वो नाश्ता आपको 8:30 बजे वहां मिल जाएगा, 8:30 से 9:30 तक आप वहां पर नाश्ता करके, और एक बस है, और अगर आप उस बस में नहीं आ सकते तो आप पैदल आइए मेहरबानी से। बम्बई के लोग, पूना के लोग और दिल्ली के लोग, पूना और बम्बई के लोग तो मालगुन में रह रहे हैं, आप लोग वहां रह रहे हैं कबूल है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उनकी बसेस लेकर के चले आए आराम से। पूछना चाहिए कि कौन सी बस हमारी है, कौन से बस से हम आएंगे, पहली बात। दूसरे कौन से टाइम से आना चाहिए,
अभी वो लोग सब लटके 4 घंटे से बैठे, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो लोग आए कि नहीं आए, 4 घंटे से वो लोग खड़े हुए हैं, आपने बैठ लिया, कोई आपको मतलब ही नहीं किसी से, आराम से आके जम गए। आप लोग यहां मेहमान नहीं है, यह आपका देश है हिंदुस्तान, यहां पर बाहर से लोग आए हुए हैं। हिंदुस्तान में आप हैं और हिंदुस्तान के किनारे पे अभी तक समुद्र में उतरे नहीं, समझे ना। मेहरबानी करिए, मुझे बड़ा दुख लगता है सोच करके, ये लोग बेचारे वहां लटके हुए 4 घंटे से खड़े हैं, आप लोग पहले चलिए घुस घुस के चलो चलो जल्दी चलो। वो कह रहे हैं कि सब लोग घुस गए पहले ही, हम क्या करें जंगली के जैसे, हम लोग सहयोगी हैं, रास्ते पर के कोई वो तो नहीं है भिखारी लोग, कायदा कानून कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब मेहरबानी से आप लोग किसी की बस में नहीं चढ़ने वाले, सिर्फ आपकी एक बस है, तो तैसा नंबर दिया एक वाला बस था, एक बस का नंबर है ना, तैसा ड्राइवर ला बोला निकला सब। एक तो हम लोग ऐसी जगह आए हैं जहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, ना कोई खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, नहीं कुछ, ये सब चीज़ें कोल्हापुर से आ रही, इसलिए यहाँ आए हैं कि ये हमारे लिए एक यात्रा है, क्षेत्र में हम आए हैं और इस जगह हम लोग मेहमान नहीं है, ये लोग मेहमान हैं। वैसे भी मैं देखती हूँ कि सब दिल्ली वाले और बम्बई वाले सामने बैठ जाएंगे, ये लोग अपने पीछे बैठे हो, अरे भाई ये कोई तरीका होता है किसी मेहमानों के साथ ये करने का, व्यवहार करने का? सबसे पहले हम लोग बैठ गए, खाना हम सबसे पहले हम खाएंगे, वो लोग बाद में खाएंगे, ये कोई तरीका होता है? हम लोग तो मशहूर हैं दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए, तौर तरीके के लिए, हम लोगों को दुनिया मानती है इस चीज़ के लिए, लेकिन सहयोग में आते साथ उल्टी खोपड़ी क्यों हो जाती है? कल से कायदे से आप लोग बिल्कुल इनके ऊपर आक्रमण नहीं करने वाले किसी भी तरह का, और न ही इनके बसेस में घुसने वाले, सिर्फ आपके लिए एक बस रखी है उसमें आप आइए, नहीं तो मेरे पास इतना उनको देने के लिए पैसा नहीं है। निगम साहब बहुत कुछ सीखने का, यहां आप सीखने आए हैं, अपनी जान बचाने के लिए नहीं आए, पैदल चलने में क्या हर्ज है जवान लोगों को, थोड़े पैदल चले तो क्या हर्ज हो जाएगा? आप लोगों के वहां नखरे नहीं मिलते, सुनते हैं कि एक आदमी औरतों के तैयार होने में ही 4-4 घंटे लग रहे हैं। आप निगम साहब ऐसा करिए, एक बस रखिए, उसमें एक ही बस आपके लिए है, उस बस से सब लोग आए और सब लोग जाए, नहीं तो हम चाहते तो हम और कहीं आपको रखा देते, अच्छा रहता। अब कल हम सोच ही रहे हैं कि आप लोग कहीं और रखा दें जिससे ये तकलीफ नहीं होगी, उनके बसेस उनके लिए रहने दीजिए, वो आके पड़ी हुई यहाँ बस, वो लोग रास्ते में लटके 4 घंटे से बैठे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पैसे बेचारे देते हैं, उनके पैसे के दम पर आज सहयोग चल रहा है, आप जानते। और इन लोग सब बता रहे थे कि वहां से सब ढकेल ढुकेल के लोग बैठ गए आगे में, हमको जगह ही नहीं मिली और बसेस आके यहाँ रोक लिए, ये भी नहीं सोचा कि बसेस वापस गई कि नहीं गई, वो लोग खड़े हैं वहाँ। हाँ आप देखिए सारे बसेस यहीं खड़ी हुई है, आके आराम से बैठ गए यहाँ पर सब, दिल्ली वाले बम्बई वाले पूना वाले। मुझे दुख ये लगता है कि ये लोग इतने दूर से आए हैं बेचारे, सारा महीना भर ये प्रवास करते रहे, तकलीफें उठाई हैं, आराम पसंदगी जो है ये सहयोग का लक्षण नहीं, जो आदमी आराम पसंद है वो सहयोगी हो ही नहीं सकता। फिर वो बताएंगे कि हम आए तो वहाँ इतनी देर हमको तकलीफ हुई, फिर ये हुआ, जो आदमी को तकलीफ होती है सहयोगी नहीं है। सहयोग में आत्मा का आनंद है, उसका आराम है, उसका सुख है, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसी के आनंद में विभोर रहना चाहिए। अगर अपना अभी भी यहाँ आराम है, मैंने सुना कि बड़े झगड़े हो रहे हैं कि कौन डॉमेट्री में रहेगा, कोई कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहेगा, ये तो गलत बात है। कम से कम जो लोग आप टेंट में हैं उनमें कोई बुजुर्ग हो तो ठीक है, उनको डॉमेट्री में जाने दीजिए, बाकी आप वहीं रहिए। अगर आपका शरीर आपको सताता है तो उसको जरा ठिकान लगाइए, उसको समझाना होगा। कोई आपको मैं हिमालय पर जाने को नहीं कह रही हूँ कि ठंडी हवा में जा करके वहाँ पे नंगे बदन आप एक पाँव पे खड़े होइए, इतनी बात नहीं, लेकिन शरीर के चोचले चलाना बेकार के सहयोग में नहीं हो सकते और नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई आफत नहीं। आप कहीं और जगह जाइए, शन्नो देवी जाइए, कोई जगह जाइए तो चढ़ना पड़ता है आपको,
सात सात मील, उसके लिए ठीक है। शरीर को थोड़ा सा श्रम देने से कोई आफत नहीं आने वाली, और कोई बड़ी भारी ऐसी श्रम की भी बात नहीं। अच्छी ठंडी हवा चल रही, चले आए टहलते टहलते, और इतनी ज्यादा तैयारी करने की और इतने सजने धजने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आता। वो कह रहे कि कोई भी आदमी टाइम से नहीं आता है, खड़े हैं बस वाले, वहां एक भी अभी चढ़ नहीं रहा। ये कोई गलत बात, सामूहिकता कम है इसलिए ऐसा होता। अब आपके लिए, आपने कहा कि हम 1 तारीख को आना चाहते हैं, अच्छा आइए सर, आंखों पर आइए, इसका मतलब नहीं कि आप मेहमान हो के यहाँ रहे। 1 तारीख को आए हैं तो व्यवस्था आप करिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, आप क्या मदद कर सकते हैं। आप लोगों से कहीं कहीं अधिक इन लोगों ने रुपया दिया हुआ है, और इस बार 8 लाख करीब पैसा बच जाएगा। हर साल इन्हीं के पैसे से हम लोगों को फायदे हुए हैं। ये मैं नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है, पर ये मेहमान है। कल अगर आप इनके देश में जाएंगे तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, आपकी व्यवस्था पहले करेंगे। सब लोग घुस के चले आए। कल सवेरे आप लोग सब सवेरे उठ के और 8 बजे तक ध्यान में जाए। 8 से 9 तक ध्यान होने के बाद, 9 बजे आपको वहां पर नाश्ता मिलेगा। अब ये नहीं कि एक बैठे हैं तो दो नहीं बैठे, जिसको 9 बजे वहां नहीं आएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, यहां से नाश्ता वहां चला जाएगा। उसके बाद 10 बजे तक आप लोग यहां तशरीफ ले आए, 9 से 10 तक आपको टाइम है, आप तब तक नाश्ता कर लें, सब कुछ करके आप यहाँ 10 बजे वहाँ से चल दें। आपके लिए एक बस है, वही बस आएगी, उससे आप यहाँ पहुँच जाइए, फिर वो बस हम वापस कर देंगे, फिर उससे आप यहाँ आइए। इस तरह से एक ही बस से आप आइए और जाइए, 6 बस का पैसा हम लोग नहीं दे सकते। उसमें भी और बात है कि 11 घंटे से ज़्यादा अगर किसी ड्राइवर पे काम पड़ा तो उसका डबल पैसा देना पड़ता है। यहां पर प्रोग्राम कल से 11 बजे से शुरू होगा, 11 बजे यहां सब लोग पहुंच जाए, 11 बजे से 1 बजे तक यहां प्रोग्राम होगा। उसमें जो भी हम करें, भाषण दें, जो भी करें करें, कल से ठीक से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपको जरूरत नहीं कि आप जाएं, यहीं आप खाना खाइए, और चाहे तो यहीं लेट जाइए, चाय वाय पी के आप चले जाइए, चाय पीकर आप जाइए वहाँ, तैयार वैयार हो जाइए शाम के वक्त में, और उसके बाद आप वहाँ से करीबन 6 बजे के करीब आप चल दीजिए, 6:30 बजे। सो यहाँ पर आपका प्रोग्राम 6 बजे से शुरू होगा, 6, 7, 8 बजे तक, और उसके बाद में 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, चाहे 10 बजे तक आपका खाना पीना होके 2 घंटे का म्यूजिक प्रोग्राम होगा। इस तरह की व्यवस्था है। 6, 7, 8 बजे तक जवालावाड़ा तो बरो, हाँ म्हणजे 9:30 प्रोग्राम सुरू आणि 12:30 संपायचा। इस प्रकार काम हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वहाँ चल के जाने में 1/2 घंटा लगेगा, लेकिन अब हम लोगों को कुर्सियों की आदत हो गई, हम चल ही नहीं सकते इतना। बहरहाल मैं नहीं कह रही आप चलिए, पर कम से कम ये तो समझ लीजिए कि आप हर एक बस में बैठ जाएं तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। पिछली मरतबा यही सब करके बड़े आफत में मुझे डाल दिया आपने। इकड़े आ ड्रायव्हर, तुम्ही या, तुमचं काय नाव? पाटील। असं करा तुम्ही, तुमच्या गाडीचा काय नंबर? 81 इंग्लिशमध्ये झाला 7965। अच्छा, गाडी का नंबर 7965।
ड्रायव्हर साहेब का नंबर आहे मिस्टर पाटील. तुम्ही आपल्या गाडीमध्ये इंडियन्सला घेऊन यायचं, इंडियन्सला आणायचं, त्यांच्या 2 किंवा 3 ट्रिप्स करायच्या, जास्त नाही. आणखीन तुमच्याच गाडीमध्ये इथून ब्रेकफास्ट जाईल सकाळी, आणि ब्रेकफास्ट झाल्यानंतर ही तिथेच राहा तुम्ही, फक्त इंडियन्सला आणायचं तुम्ही, बरं का. आणि बाकीच्या ड्रायव्हर्सला सांगायचं की एकाही इंडियनला घ्यायचंच नाही गाडीत, कळलं का. त्याचे खूप पैसे द्यावे लागतील आम्हाला, तुम्हाला तर माहिती आहे. तर ह्यांना आज आगाऊ लोक आहे, त्यांना समजत नाही, तेव्हा तुम्ही सांगायचं स्पष्टपणे. त्यांना सांगून द्या 5 मंडळींना की फक्त ह्याच्यामध्ये फॉरेनर्स जातील. त्यांनी पैसे भरलेले आहेत, त्यांच्या दमावर तर आम्ही आणल्या गाड्या. आणि हे आपले घुसले सगळे हिंदुस्थानी लोक, म्हणजे अगदी फारच व्यवस्थित आहेत ना, सहजोगात येऊन सुद्धा असे वागतात. मग काय म्हणावं बरं पाटील साहेब, आता त्यांना जाऊन व्यवस्थित सांगा. कळलं. मुळीसुद्धा अगदीसुद्धा एकाही माणसाला जो इंडियन आहे घ्यायचं नाही, फक्त तुम्ही घ्यायचं. आता ते तिथेच लटकून सगळे उभे आहेत, आणि ह्यांना तुम्ही घेऊन आला, हे तर उपट सुंब आहेत. त्यांनी काय पैसे दिलेत? हमने कहा तो डिस्कशन करते. आता कळन पाटील, अब हमें नाराज नहीं करना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए देवी को, प्रसन्न रखना चाहिए. और प्रसन्नता होती है मनुष्य में जब तपस्विता आती. आरामदेह लोग सहयोग नहीं कर सकते, झगड़ा कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, सब तरह की लांछनास्पद बातें कर सकते हैं, लेकिन आरामदेह लोग जो होते हैं वो सहयोग नहीं कर सकते. आप लोगों को एक बार यहाँ आने के बाद यहीं रहना चाहिए, खाना खाने के बाद यहीं लेट जाइए, चाय पीना हो तो, क्योंकि अब चाय लेके आपका कौन भागेगा, नहीं तो चाय पाठ हो सकता. अब तसं करू नका. हां, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ खाना खा के एक बस है वो आपको ले जाएगी, वही बस फिर आपको दूसरी पार्टी को ले जाएगी, और उसी के साथ वो चाय भी भेज देंगे, फिर आप वहाँ चाय पी लीजिए, और चाय पीने के बाद उसी बस से आप लोग आइए. और मेरी ताकीद है कि कोई भी इंसान जो कि हिंदुस्तानी है उसको कायदे से एक ही बस में आना चाहिए, नहीं तो ये लोग रिपोर्ट कल करेंगे और बहुत रुपया देना पड़ेगा. ये भी तो आप ही के बस वाले हैं, और ये आप ही की सरकार है, और आप ही का खर्चा है. इतना बड़ा बड़ा खर्चा मुझे बता देते हैं, मैं क्या करूं, समझ गए. तो अब मेहरबानी करिए, अपने मन से किसी भी बस में बैठने का आपको अधिकार नहीं है, सिर्फ एक बस आपके लिए तय कर दी, उसका जो भी पैसा हम दे देंगे, आपको नहीं देना तो मत दो. एक बस, समझे ना आप, इनसे कोई 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं, बेकार है, वो हिसाब हम कर लें. लेकिन जो लोग बस में नहीं आए वो वहीं रह जाएंगे, वो दूसरे की बस में नहीं आए, मेहरबानी करें. एक भी आदमी अगर दूसरे बस में बैठेगा तो उसका मुझे बहुत कुछ देना पड़ता, इसलिए आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें. पिछली मर्तबा भी ऐसा हुआ था, इस मर्तबा भी ऐसा हो रहा है. जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चाहिए कि वो डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ भी जाना है, और जो लोग आ रहे हैं वो भी डॉर्मेट्री में रहेंगे. वहाँ पर एक बस रहेगी आपके लिए, उससे आप आइए जाइए, एक बस काफ़ी है. दिल्ली में भी तो आप लोग लाइन से खड़े रहते हैं घंटों, यहाँ पर क्या नवाब साहब ही आ गए क्या. अच्छा बहर जो भी हो, आज अच्छी शुरुआत नहीं हुई, मुझे बहुत दुख हो रहा है. बेचारे 4 घंटे से वहाँ लटक के खड़े हुए हैं, किसी को आपने आने नहीं दिया और लहा ला कर बस छोड़ दी, बड़ी दुख की बात है. इसलिए आप मन में अब माफ़ी मांगिए और कहिए कि अगले वक्त से ऐसा काम नहीं करेंगे माँ, ये बड़ी गलत बात हो गई और इससे बड़ा दुख होता है. अब अगले प्रोग्राम आपको मैं बताती हूँ, जिसको आप सुन लीजिए. अगले प्रोग्राम में हम लोगों का प्रोग्राम जो है वो इसी प्रकार होगा जैसे मैंने कहा कि सवेरे उठ के मेडिटेशन होगा, फिर आप यहाँ 11 बजे तक आ जाइए, नाश्ता उश्ता करके आप यहाँ पहुँच जाइए, और खाना होने तक आप यहाँ रहिए. उसके बाद जाइए आप आराम करिए, उसके बाद चाय पीजिए, और चाय वाय पी करके और आप फिर से आप शाम को यहाँ पर आते वक्त याद रखिए कि यहाँ 6 बजे तक पहुँचाना है. तो वहाँ बस आएगी, पहले बस से 6 बजे आ जाना, फिर दूसरे बस से आ जाना, और फिर हम लोग 6:30 से प्रोग्राम यहाँ शुरू करेंगे.
ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ बात यह है कि उनकी परवाह नहीं है, आप उनकी परवाह करनी चाहिए, पूछना चाहिए आपने चाय पानी कुछ लिया या नहीं लिया। और कल से इसी तरह से प्रोग्राम होगा। कल 4 तारीख तो है नहीं, कल 3 है ना, कल 3 तारीख, 3 तारीख को और भी लोग आ रहे हैं, और 3 तारीख को जिन लोगों को शिफ्ट करना है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और आप लोगों के भी जो तंबू हैं वो यहाँ ला के लगा दिए जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग कल यहाँ पर चाय के बाद, नाश्ते के बाद वहीं रहें, और आपका, क्योंकि आपके तंबू वहाँ से हटने वाले हैं, और आपका जो सामान है, अब जैसे ये लोग आए परदेसी तो ये सब सामान अपने हाथ में उठा के ले गए, आप लोगों के लिए टेम्पो लाना पड़ा, क्योंकि आप लोग हाथ में सामान तो कभी उठाते आज तक कभी किया ही नहीं, कोई कूली थोड़ी है, सब हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसके लिए भी आप लोग, वो एक जो बस है उस बस में आप सामान डाल के इधर ले आए। यहाँ पर तंबू गाड़ दिए जाएंगे, तंबू कल उखाड़ दिए जाएंगे सवेरे, जब आप मेडिटेशन में जाएंगे उससे पहले तंबू उखाड़ करके और इधर लगा दिए जाएंगे, जिससे आपको बाथरूम की भी सहूलियत हो जाएगी और सारा इंतज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ से खाना खाने के बाद आप जा कर के वहाँ रहें। अब आपका जो सामान है वो सामान जो है उसको आपको पहुँचाना होगा उन तंबुओं में खाना खाने को जाने से पहले। सो कल सवेरे के प्रोग्राम में आप लोग एक ही प्रोग्राम करें कि अपनी व्यवस्था वहाँ से हटाकर तंबुओं में कर लें। सो कल सवेरे उठते ही आप लोगों का एक काम होगा कि ये लोग चाहे जो भी करें, क्योंकि ये तो वहीं स्थित है, अपना सब सामान बांध लें, सब ठीक ठाक कर लें और तैयारी में रहें। कल तंबू गिराए जाएंगे और तंबू इधर डाल दिए जाएंगे, और इस जगह आपका इंतज़ाम हो जाएगा जहाँ बाथरूम्स बहुत सारे हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, सिर्फ आपको अपना सामान उठा के इधर लाना है। वो लोग, वो आप उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? अच्छा हाथ उठाओ जो जो उठा सकते हैं, बस दो ही आदमी और कोई नहीं, औरतें क्या नहीं उठाएंगी? चलो उठा के लाओ, कोई इंतजाम ही नहीं ना यहाँ पे सामान उठाने का, और कोई इंतजाम जो नहीं है तो क्या किया जाए। आयो टेम्पो मिनल का, अच्छा एक टेम्पो आ जाएगा, जो लोग बिल्कुल ही नहीं उठा सकेंगे उनके लिए एक टेम्पो आ जाएगा, ऐसे फॉरेनर्स भी आपकी मदद कर देंगे। आई हैव टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु हैव कम हियर ऑल द वे फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज फॉर वन थिंग्स, आई एम सॉरी दैट यू सी देर हैज बीन नो प्रॉपर डिरेक्शन टू दिस पीपल एंड दे ऑक्यूपाइड ऑल द बसेस एंड सो मेनी फॉरेनर्स वर लेफ्ट बिहाइंड। देर आर 5 बसेस फॉर द फॉरेनर्स, ओनली 1 बस फॉर द इंडियन।